now, as you have read a till e in the previous lectures, now today we are going to introduce a new letter to you that is letter f. what is the letter? the letter is letter f. first of all, जैसे कि हम usually करते हैं, हम पहले reading करेंगे book में, ठीक है, और फिर हम उसके बाद अपनी worksheet की तरफ आएंगे.

एफ अगेन पढ़ें ए बी सी डी ई एफ ए बी सी अब हम कैपिटल ए बी सी पढ़ेंगे ए बी सी डी ई e, एफ दोबारा पढ़ते हैं ए बी सी डी ई एफ पेज कैपिटल ए स्मॉल ए कैपिटल बी स्मॉल बी कैपिटल सी स्मॉल सी कैपिटल डी स्मॉल डी कैपिटल ई स्मॉल ई और आज का हमारा है टॉपिक कैपिटल एफ स्मॉल एफ कैपिटल एफ स्मॉल एफ एफ से फ फोर फ्रूट्स फॉर फिश फॉर फ्राइज फॉर फ्रॉक एंड फॉर फ्लावर अगेन पढ़ते हैं एफ सेज फॉर फ्रूट्स फॉर फिश फॉर फ्राइज फॉर फ्रॉक एंड फॉर फ्लावर आपने इन सारे वर्ड्स की रीडिंग करनी है ठीक है जब भी आप बुक ओपन करें याद रखें आपने ए से लेकर अपना जो भी टॉपिक है उस तक आपने सारे वर्ड्स की रीडिंग करनी है जैसे मैंने आपको लास्ट टाइम समझाया था ए फॉर एप्पल ए फॉर एंट ए फॉर एरोप्लेन आपने ये सारे पढ़ के फिर ब फॉर बनाना ब फॉर बायसिकल ब फॉर बॉल ब फॉर बेल ब फॉर बोट एंड देन सी के वर्ड्स C says k, k, for camel K for car K for cabbage and then D, E and so on. आपने रोजाना इसकी रीडिंग ज़रूर करनी है जब आप स्कूल आएंगे मैं ज़रूर पूछूंगी E for what? आप मुझे बताएंगे E says a a for elephant a for envelope a for egg f for engine f for air और मैं आपसे ये सारे पूछूंगी सबसे पहले हम टॉप पे क्लास वर्क लिख लेंगे दिस इज अवर क्लास वर्क ठीक है नाउ यू कैन सी हेयर दैट वी हैव डन रीडिंग एंड नाउ वी विल डू द राइटिंग पार्ट अब हम राइटिंग पार्ट करेंगे ठीक है नाउ वी हैव स्टार्टेड अवर वर्कशीट अब हम वर्कशीट में क्या कर रहे हैं हमने टॉप पे क्लास वर्क लिख लिया अब यहाँ पे हमने करना क्या है हमने करना ये है कि हमने यहाँ पे जो एफ़ लिखा हुआ है उसमें कलर करना है वो कहते हैं कलर द लेटर्स आपने जो एफ़ के लेटर्स हैं उसमें कलर करना है हम दूसरा कलर ले लेंगे और उसमें क्या करेंगे यहाँ पे हमें जहाँ जहाँ एफ़ नजर आ रहा है हम उसको इन सर्कल कर लेंगे सबसे पहले आप हमारे पास यहाँ पे है हम उसको सर्कल कर लेते हैं नाउ वी हैव एन एफ हेयर इसका हैंड थोड़ा सा ये देखिए ये भी एफ है एक एफ़ ये है हेयर इज एन अदर एफ एन एफ हेयर 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 एंड हेयर वी हैव डन ऑल द एफ वी हैव डन इन सर्कलिंग ऑल द एफ अब हम ट्रेसिंग की तरफ आ जाते हैं ट्रेस कर लेते हैं सबसे पहले आपने करना क्या है कि आपने स्ट्रेट लाइन लगानी है एक हैंड ऊपर और एक हैंड सेकेंड लाइन में ठीक है आपके पास हमेशा फोर लाइंस होती हैं आपने ऊपर की थ्री लाइंस में एक स्ट्रेट लाइन पुट की और फिर एक लाइन उससे ऑपोजिट साइड पे और दूसरी लाइन सेकेंड लाइन में ये हो गया आपका एफ़ यहाँ पे आपने एफ़ लिख लिया स्ट्रेट लाइन फर्स्ट हैंड सेकेंड हैंड एफ़ अब हम स्मॉल एफ़ लिखेंगे एफ़ आपने एफ़ का हैंड बहुत बड़ा नहीं बनाना ठीक है यहाँ पे इसको बहुत राउंड नहीं करना ठीक है कोशिश करनी है स्मॉल सा उसका हैंड बनाएं आप ठीक है एफ़ वी हैव कंप्लीटेड ऑल द एफ नाउ वी विल पुट मार्क्स हेयर हम मार्क्स हमेशा की तरह बना लेंगे ताकि हमें पता हो हमने कितने डिफरेंस में एक डिजिट सॉरी एक लेटर लिखना है सबसे पहले हमने स्ट्रेट लाइन लगानी है फर्स्ट हैंड सेकेंड हैंड एफ इन बोथ पार्ट्स आपका काम बिल्कुल ठीक होगा एफ नाउ कम टू द लास्ट पार्ट ठीक है हम लास्ट पार्ट में आ जाते हैं जहाँ पे हमने कलरिंग करनी होती है सबसे पहले वो कहते हैं कलर द थिंग्स दैट स्टार्ट्स विद एन एफ क्या कहते हैं वो कलर करें उन तमाम चीज़ों को जो एफ़ से स्टार्ट होते हैं ठीक है दिस इज़ अ जेली फिश ये जेली फिश है ये एफ से स्टार्ट नहीं होता वी विल पुट अ स्मॉल क्रॉस ऑन इट इसमें हम कलर नहीं करेंगे दिस इज़ अ नेस्ट नेस्ट एन से स्टार्ट होता है हम इसमें भी कलर नहीं करेंगे दिस इज़ अ फ्लावर ये एक फ्लावर है इसमें हम कलर करेंगे क्योंकि ये एफ़ से स्टार्ट होता है फ्रॉग में भी करेंगे और फिश में भी वी विल डू येलो इन द सेंटर पार्ट सेंटर पार्ट में हम येलो करेंगे ठीक है एंड देन वी विल डू ब्राउन इन द स्टेम पिंक कलर बहुत ही लाइट है ये बिल्कुल नजर नहीं आ रहा ठीक है इसकी आउटलाइन बना लेते हैं ठीक है फ्रॉक में कलर फिनिश कर लिया है ठीक है अब हम इसकी आइस में कलर कर लेते हैं और लाइक बिट ब्राउन कलर हेयर एंड हेयर ओके ये देखिए इट गिव्स अ नाइस लुक नाउ वी विल डू कलर इन पहले उसकी आउटलाइन पुट करूँगी लाइक दिस एंड दिस ये अब हो गया अब हम इसमें लाइटर सा कलर कर लेते हैं ब्लू लुक के हाउ मच लवली इट लुक्स यहाँ पे फिश में हमने ब्लू कलर किया फ्रॉग में ग्रीन और फ्लावर में पिंक ब्राउन एंड ग्रीन आज का हमारा टास्क फिनिश हुआ आई होप आप सबको ये काम समझ आ गया होगा आपने अपने बुक में ए टिल एफ की रीडिंग करनी है ठीक है फिर आपने अपने वर्कशीट पे काम करना है यहाँ पे कलर द लेटर्स सर्कल द लेटर विद एफ ट्रेसिंग राइटिंग एंड दैन कलरिंग द थिंग्स डेट स्टार्ट विद एन एफ अपना बहुत सारा ख्याल रखिए अल्लाह हाफिज़